नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आपको डिविडेंड स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में। मैं कुछ ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक्स आपको बताऊंगा जिसमें आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपको FD से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक है अपना ITC। ठीक है, ITC, ITC शेयर। आप ये देख सकते हैं इसका ग्राफ पॉजिटिव में है और इसने पैसा सभी को बनाकर ही दिया है। और इसके साथ आप अगर आपको डिविडेंड मिल जाए, देखिए डिविडेंड यील्ड 4.72%, तो क्या बात है। ठीक है, अगर हम ये स्क्रीनर यूज़ करेंगे, इसमें भी देख सकते हैं हम ITC लिमिटेड एनालिसिस। ये देखिए, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.75%। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल ये केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है। इसको मैक्सिमम करते हैं तो देख लीजिए इसने कैसे पैसा लोगों का बनाया है। ठीक है, स्टॉक्स मार्केट में आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है, आप खूब पैसा बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 0.26%। अब हम नेक्स्ट स्टॉक्स देखते हैं जो कि FMCG के रिलेटेड है। हो गया अपना ITC, और अभी ITC सर्विस के रिलेटेड देखते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस या TCS दोनों ही बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अभी TCS भी देख लेते हैं इधर। ये देखिए डिविडेंड यील्ड 1.24% है। दोनों ही देखिए कैसे परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक्स। दोनों ही सेम ग्राफ है लगभग, क्योंकि IT सेक्टर के स्टॉक्स हैं। इसमें 1.49% और इसमें 1.24%। ठीक है, और नेक्स्ट स्टॉक्स है अपना चंबल फर्टिलाइजर। अगर इसको हम देखते हैं तो ये देखेंगे जो फर्टिलाइजर के रिलेटेड कंपनी है, और इसकी आगे भी मतलब आप प्रोग्रेस पाओगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और फर्टिलाइजर के जरिए ही हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, फसल का, तो ऑब्वियस है ये शेयर आगे भी बढ़ेगा। तो देखिए इसका डिविडेंड यील्ड है 1.31%। ठीक है, और नेक्स्ट है पावर जनरेशन के रिलेटेड, दैट इज CESC शेयर। ठीक है, एक और शेयर है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ये भी अच्छा डिविडेंड यील्ड देता है, 4.55% जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी सर्किट में ही मतलब ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार इसने ब्रेकआउट दिया तो ये काफ़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एक है CESC, ये भी देख लेते हैं हम। ये देखिए इसमें भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ग्रोथ है। ठीक है, और ये है 7.17%। टू व्हीलर स्टॉक बजाज ऑटो, ये आप सबके लिए बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस, ये दो शेयर बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए इसने कैसा पैसा बनाया लोगों का। और इसमें बजाज ऑटो में भी देखेंगे आप, ये देखिए बस इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स इसमें लिखे हुए हैं जैसे कि NLC इंडिया, ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया। ठीक है, PTC इंडिया, PTC इंडिया भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है स्टॉक। इसको देख सकते हैं आप, अच्छा बाय कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं डिविडेंड 5.38% है। ठीक है,
और कुछ और है SGVNGB पावर के रिलेटेड है, कोल इंडिया, PNG, HUL, ये सब शेयर अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये देखिए, इसमें नहीं आया, चलो हम NSE का उसका देखते हैं, HUL का। ठीक है, ये तो आप बाय कर सकते हैं। ये देखिए क्या बात है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे रिटर्न्स देकर ही जाएगा ये स्टॉक्स, और इसके साथ आपको डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा, जो सबसे बेटर चीज़ है। बस इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको ये बताना चाहता था, अगर आप अकाउंट जीरोधा में खुलवाना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए लिंक यूज़ कर सकते हैं, और मात्र सिर्फ आपको 200 रुपये में अकाउंट खुल जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू रजिस्टर करेगा, वरना नहीं। ठीक है, धन्यवाद।